जुड़ चुके हैं सुरजीत सिंह जी गढ़ी एस जी पी सी के मैंबर ने। आओ इन्हां नाल गलबात करते हैं अज के हालातों बारे। गढ़ी साहब, असी अज ये जानना चाहते हैं कि जो एम पी दी वोटां चल रही ने उहदे विच तुसीं यानी कि किसनूं मोहरी मनदे हो ते क्यों मनदे हो ते बाकी जिहड़ियां पार्टियां ने वो क्यों यानी कि भी पिछड़दियां जा रही ने। अज जो लोग सभा की चोणां होण जा रही ने उस दे विच सारिया सब तो पहला जो अज देश दे विच माहौल है, देश दे बहुत गिणती लोग ये चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, क्योंकि जदों तो श्री नरेंद्र मोदी जी को 5 साल का समा मिले देश के प्रधानमंत्री बने ने, असी फखर नाल कह सकते हैं सिर उच्चा करके साडे जे देश का ना करप्शन दे विच गिणिया जांदा सी, अज असी बड़े माण नाल कह सकते हैं कि जिस तरह विदेशों के इमानदारी है 5 सालों के एक भी कोई करप्शन का जो दोष है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के उत्ते नहीं लग्या। दूसरा जे मैं राजपुरे की गल करा, राजपुरे के 2.5 सालों के दौरान जो हरदयाल सिंह कंबोज ने गुंडागर्दी करवाई है उसका अज लोगों के बहुत वड्डा रोस है, गुस्सा है कि किसी पक्ष तो नहीं छड़िया, चोणा हुई चोणा दे विच कोई कमी नहीं छड़ी, जबरदस्ती बूथ कैप्चर किए, धक्केशाही की, अज रेहड़ी वाले तो पैसे ले जा रहे हैं, दुकानदारों तो 250 रुपया महीना लिया जा रहा है। और सब तो वड्डी गल जो मैं कहनी चाहना कि अज का माहौल देखो, मैं अज शहर के इधरों लंघ के आया, जबरदस्ती लोगों को डरा धमका के दुकाना ते घरां दे लोकां दे कांग्रेस के झंडे लाए जा रहे हैं। इस तो पहला कदे ऐसा नहीं होया, ये लोकतंत्र का मैं समझदा कि कहाण कर रहा हरदयाल सिंह कंबोज और ऐसे हालात पैदा कर रहे लोगों के माहौल गुंडागर्दी का दिखा के लोगों को इस तरह उन्होंने डराया जा रहा है कि जे तुसी झंडा ला दिता तो हो सकता थोड़े ते परचा भी हो जाए। ऐसा माहौल पैदा करके मैं कह सकदा कि लोग नाल डरते ने और कहते हैं कि झंडा जिस झंडे को असी देखना भी नहीं चाहते, साड़ी दुकान पर लग्या देख के साड़ा पहला मन खराब हो जाता है कि जिस झंडे वाल असी देखना नहीं चाहते वो साड़ी दुकान पर लगे है। पर डर सहम यह है कि उहदे वल्लों इस गल की धमकी है कि जे झंडा लाओगे तो परचा तैयार है। ऐसा माहौल राजपुरे शहर का बना के रख दिता है, लोकतंत्र का कान करके रख दिता है। मैं शहर निवासियों को अपील करना चाहना कि देखो जे तुसी राजपुरे नूं बचाउणा है, देश की गल साडे लई पहला है पर दूसरा साडा शहर भी असी उहनूं कह सकदे जिथे असी रहना है, साडे लई सब तो वध उत्थों दा माहौल उत्थों की रहनी बहनी शांति सारा कुछ पहल है। पर अज जो माहौल बना रखे भरावो, जिस तरह के कब्जियां दियां गल्लां चलियां ने, कब्जे किए ने, लोगों को कुटिया मारिया, प्रेस ते हमला किया, कोई पक्ष ऐसा नहीं छड़िया जिसनों इन्हां ने गुंडागर्दी ना की होवे। मैं शहर निवासियों को अपील करना चाहना कि जे तुसी इन्हां नूं नथ ना पाई तो आने वाले जिहड़े 2.5 साल ने वो इस नालों भी खतरनाक होवांगे होणगे और आपां फिर पछताउणा पैना है कि असी ये की कर बैठे हैं, फिर उस तो बाद अपने कोल कोई राह नहीं रहना। गढ़ी साहब, आपां यानी कि गल करते हैं जिवें तुसी कहंदे हो कि भी कांग्रेस पार्टी दी इस वजह दे नाल हार रही है कि इत्थों दा MLA बड़ी गुंडागर्दी कर रहा है, लेकिन आपां उन्हां पार्टियां नूं अखों परोखे नहीं कर सकते कि जिहड़ियां पार्टियां पहलां यानी कि देखो गांधी जी इत्थों जीते सीगे जी आम आदमी पार्टी तों, अज वो इंडिपेंडेंट यानी कि पंजाब वाली जी होर पार्टी दे नाल अलायंस दे नाल लड़ रहे ने, ते अपने आम आदमी पार्टी दे विच यानी कि नीना मित्तल लड़ रही है, ते उन्हां दियां वोटां जिहड़ियां पैणगियां क्या वो अपने अपने रखड़ा साहब नूं अकाली दल नूं BJP नूं कोई फर्क पाउणगियां? देखो पहली गल इह है कि गांधी जी नूं लोकां ने इन्ना भरोसा किया कि जदों चोणां होईआं पिछले बार गांधी साहब किते गए भी नहीं, किते उन्हां दा एजेंट नहीं सी, किते उन्हां ने पिंडां च जाके लोकां नूं कहा नहीं, लोकां ने इन्ना वड्डा भरोसा करके उन्हां नूं वोटां पा दित्तियां। पर अफसोस इस गल दा है कि 5 साल उन्होंने आके कदे शक्ल नहीं दिखाई, किते आए नहीं, अज झोली अड़ के लोकां नूं गुमराह कर रहे ने। और लोग बड़े सियाणे ने, लोग देख चुके ने कि गांधी साहब नूं सिर्फ पटियाले वोटां जो शहर है जिथे उन्होंने, मैं समझदा कि पटियाले शहर च
हो सकता थोड़ा बहुत काम किया उत्थों के लोकल रहन वाले ने, चाहे वह डॉक्टरी के तौर पर है, कोई समाज सेवा के तौर पर होर कोई लोकल काम किया है, उत्थे जरूर वो महाराणी प्रनीत कौर उत्थे टक्कर दे रहे हैं शहर के। बाकी इधर कोई उन्होंने आधार नहीं, कदे पांच साल आए नहीं गए नहीं। बाकी नीना मित्तल बारे है, मैं तो यह अंदाजा लाना कि शायद पूरे लोग सभा हल्के 10-15 हज़ार वोटों का असं अंदाजा लाने कि उन्होंने मैं लगता है कि कोई आधार नहीं रहा, वो तो बिल्कुल बिखर चुकी है, ना कोई आधार रहा। मुकाबला साडा जो है वो इस समय कांग्रेस नाल है, पर इस गल की खुशी है सानू कि कांग्रेस दिनों दिन पछड़ती जा रही है। अज महाराणी प्रनीत कौर जिन्होंने 15 साल के एक भी काम नहीं किया, अज लोगों का उस गल का भी रोस है, और जो राजपुरे दे विच हो रहा है वो लोगों लिए एक दहशत माहौल जो बनया होया है। लोग सोची बैठे ने कि जे इतों हरदयाल सिंह कंबोज नू ना हराया, अज सवाल हरदयाल सिंह कंबोज का है कि जे इतों ना हराया आने वाले 2.5 साल जो ने बड़े खतरनाक होंगे। ठीक है, थैंक यू। ये सन सुरजीत सिंह जी गढ़ी SGPC मैंबर। आओ आप हुण होर किसी व्यक्ति नाल गलबात करते हैं। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 वेब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।